हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में करेंगे हम सुपर फास्ट रिवीजन आपके सीयूईटी अकाउंट्स के तीन स्टार्टिंग टॉप चैप्टर्स की। सबसे पहले मैं करवाऊंगा आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद गुडविल और चेंज इन पीएसआर। तो सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ब्रश अप हो जाएंगे, बस वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा बच्चों आपके साथ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो देखो जी, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पहली चीज़ क्या, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पॉइंट नंबर वन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपको डेबिट साइड में सबसे पहले शुरुआत करनी है अगर नेट लॉस दे रखा है, और क्रेडिट साइड में शुरुआत करनी है अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है। बाकी इसके अलावा हम बात करें फर्म की इनकम की, तो फर्म जो है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से मिलता है, तो वो इनकम आप क्रेडिट साइड में लिख लोगे। इसके अलावा जो भी अप्रोप्रिएशंस फर्म कर दी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना, या अगर कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र करा तो वो लिख लेंगे, और फिर आपका प्रॉफिट का बैलेंस बच जाएगा। हाँ, लॉस का बैलेंस जनरली कम बचता है, क्योंकि लॉस आने पर, आप ये याद रखना, लॉस आने पर हम रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में अवेलेबल प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, लॉस कब आ सकता है, जब क्वेश्चन बिल्कुल ही स्पेसिफिकली बोलता है कि हमारे लिए इंटरेस्ट या सैलरी या कुछ भी ऐसी चीज़ एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह है, या क्वेश्चन खुद ही बोल देता है कि आप चाहो तो पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दो इंटरेस्ट इवन इफ फर्म इनकर लॉस, तो उस केस में लॉस भी आ सकता है। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका हो गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। बाकी आपको बेसिक थ्योरी पता ही होनी चाहिए कि अप्रोप्रिएशन हम किसे बोलते हैं और चार्ज किसे बोलते हैं। अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जिसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस, तो हम इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, जबकि अप्रोप्रिएशंस को हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। और यही इसमें खूबसूरती है कि अप्रोप्रिएशंस जो होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट्स तक ही दिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, जबकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स जो हैं वो लॉस होने पर भी पे करे जाते हैं। बाकी अप्रोप्रिएशंस के एग्जांपल हो गए जैसे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सब। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन, या रेंट पेड, या मैनेजर कमीशन, ये सब एग्जांपल्स आ जाते हैं। अब आपको इन सब की जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए, कई बार ये भी आपसे पूछ लेता है ऑप्शन में। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं बात करूँ तो देखो, उसकी जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है। टू लोन अकाउंट, हमने लायबिलिटी को भी बढ़ा दिया, यानी कि अब जो भी लोन का इंटरेस्ट होता है वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो डेबिट हो गया, और लायबिलिटी भी बढ़ा रहा है लोन की, तो वो लायबिलिटी को लोन को क्रेडिट कर दिया। अब ये इंटरेस्ट हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पीएनएल में, तो एंट्री बन गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन की सिंपल एंट्री। लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से मिलता है, यानी कि फर्म के लिए अगर ये इनकम है, अब ये कब होती है, लेट से कि किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, अब उस लोन के बदले में तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी, तो ये फर्म के लिए इनकम हो गई। तो इसकी एंट्री बड़े ध्यान से देखना होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब है कि हमें पार्टनर से लेना है, इसीलिए पार्टनर को डेबिट कर दिया। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारी इनकम हो गई, तो क्रेडिट कर दिया, और इस इनकम को हम साल के एंड में कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पीएनएल में, तो एंट्री बन गई इनकम डेबिट, यानी कि इंटरेस्ट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो ये आपके इनकम की एंट्री हो गई। इसी तरह रेंट की बात करूँ तो रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। अब अगर आपने पे कर दिया तो टू बैंक, और अगर पे नहीं करा तो रेंट पेबल, यानी कि अगर लाइबिलिटी है तो पेबल लिख दो, और अगर पे कर दिया, आपका एसेट कम हो गया, तो टू बैंक लिख दो। और साल के एंड में ये रेंट का एक्सपेंस भी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, पीएनएल में, तो एंट्री बन गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है। अब कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में दो मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड मेथड में आप दो खाते बनाते हो, और फ्लक्चुएटिंग में आप खाली एक ही बनाते हो। फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आती है, लेकिन करंट अकाउंट में आपके बाकी सारे ट्रांजैक्शन, आईओसी, आईओडी, ड्रॉइंग, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब आते हैं। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो आप एक ही अकाउंट बनाते हो, उस एक ही अकाउंट में सब कुछ आ जाता है, तो आपको इसमें दो अकाउंट नहीं बनाने। बाकी अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही एज्यूम करेंगे।
बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कभी भी प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं हैं आपके पास और अप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हो जाएं, तो उस केस में आपको जितने भी अप्रोप्रिएशंस हैं पार्टनर्स के, उनको सेपरेटली निकाल कर रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में डिवाइड करना पड़ता है, ताकि आप अपने अवेलेबल प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में बांट सके। तो ये छोटी सी बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर कुछ कैलकुलेशंस आती हैं बच्चों इस चैप्टर में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, वो आपको टाइम बेसिस पर निकालनी है। लेट से आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, तो आप पहले उस पर इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आपने एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करी तो जितने महीने के लिए वो इंट्रोड्यूस हुई है उतने महीनों का इंटरेस्ट उस पर निकालोगे, और अगर आपने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली, यानी कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल परमानेंट नेचर वाली, तो उसके भी आप महीने के हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे, और क्योंकि ड्रॉइंग आपकी कैपिटल को कम कर देगा तो उसको आपको माइनस भी करना है, यानी विड्रॉल ऑफ कैपिटल को डिडक्ट करना है। बाकी इंटरेस्ट जो है वो आपके लिए एक अप्रोप्रिएशन ही है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन बोले कि इसको चार्ज की तरह ट्रीट करो, तभी आप इसको चार्ज की तरह ट्रीट करना। अच्छा, अब इसमें स्पेशल चीज़ ये होती है कि कई बार क्वेश्चन हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगी। तो अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो आप सिंपल फार्मूला याद रखना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फार्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस आईओडी अगर कोई दी है आपने पहले तो, या लॉस इफ एनी अगर है तो, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी या माइनस प्रॉफिट्स अगर आपने दे रखे हैं तो इसको सॉल्व करके आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कैपिटल है फिक्स्ड तो सिंपल फार्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो ये हो गया ओपनिंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला। बाकी पार्टनर का कमीशन तो बहुत सिंपल है, वो तो आप निकाल ही लोगे। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो सिंपल रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इस बात का ध्यान रखना है। फिर इसी तरह कैलकुलेशन में एक और आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इसमें बच्चों दो केसेस होते हैं मेनली। तो अगर आप रेगुलर ड्रॉइंग करते हो तो आपका फॉर्मूला है टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, जिसमें एवरेज पीरियड को निकालने के लिए आपको याद रखना है फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी है कि अगर आपको ड्रॉइंग्स की डेट नहीं दे रखी तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेकर सॉल्व करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि पार्टनर ने मिडिल ऑफ द मंथ ड्रॉइंग करी होंगी। बाकी एवरेज पीरियड फटाफट रिवाइज कर लो। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मंथ के केस में आपको बस ऐसे याद रखना है एक टेबल की तरह, बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में 6 और एंड में 5.5। और अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ, पार्टनर हर क्वार्टर में ड्रॉइंग करेगा तो बिगिनिंग में 7.5, मिडिल में 6 और एंड में 4.5। तो ये हमारे एवरेज पीरियड्स हैं डिराइव्ड, जो बस आपको याद रखने हैं। अगर इररेगुलर ड्रॉइंग्स हैं, मतलब किसी भी टाइम कितने भी रुपए निकाले जा रहे हैं, तो आप उसको टाइम के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, वो सिंपल मेथड है। नहीं तो आप प्रोडक्ट मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो ये आपका आईओडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, फिर इसमें एक और टॉपिक होता है पास्ट एडजस्टमेंट का, जिसमें आपसे कुछ गलतियाँ करवा देता है और उन गलतियों को आपको रेक्टिफाई करना है अपनी एंट्री करके। तो गलतियाँ बेसिकली क्या होती हैं, जैसे कि भाई आपने कुछ चीज़ छोड़ दी, आप कुछ देना भूल गए, तो उसके बेसिक स्टेप्स थे जो आपको याद रखने। अगर मान लो आईओसी देना भूल गए तो आप क्रेडिट कर दो, सैलरी देना भूल गए तो उसको भी क्रेडिट कर दो, आईओडी अगर लेना भूल गए तो आईओडी को डेबिट कर दो, फिर इनके नेट इफेक्ट को निकाल लो, इन अमाउंट्स के मतलब डेबिट क्रेडिट्स को माइनस करके देख लो कि नेट फिगर क्या बच रही है, नेट अमाउंट क्या बच रहा है, और उस अमाउंट को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। अब डेबिट करना है या क्रेडिट करना है ये इस बात पर निर्भर करेगा, अगर क्रेडिट के अमाउंट्स ज़्यादा हैं तो फिर आप डेबिट में कर दो क्योंकि डेबिट वीक है, और अगर डेबिट के अमाउंट्स ज़्यादा होंगे तो आप क्रेडिट कर दो क्योंकि क्रेडिट की टीम वीक होती है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में बेसिक स्टेक आपका यही है कि अगर कोई भी चीज़ ओमिट हुई है देने से तो आप उसको दे दो यानी क्रेडिट कर दो, और उन सब अमाउंट्स को जोड़कर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर दो। अब इसमें अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको पता ही सिंपल एंट्री है, खैर जो भी एमिशंस या ओमिशंस हुए हैं उनके लिए आप एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, और उस एडजस्टमेंट टेबल में लास्ट में सॉल्व करके आपका नेट इफेक्ट निकलेगा, उस नेट इफेक्ट के बेसिस पर आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। तो वो कुछ कुछ इस तरह से टेबल आपको देखने को मिलेगी।
कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कॉलम, फिर जो भी आपने डेबिट क्रेडिट करा वो आ जाएगा और नेट इफेक्ट जो बनेगा फाइनली उसके पे बेस्ड आपकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी हम पार्टनर्स के बीच एडजस्टमेंट डायरेक्टली करने के बजाय पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू भी एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ी सी एंट्रीज बढ़ जाती हैं। तो जब जब आप पार्टनर को अगर क्रेडिट कर रहे हो तो एंट्री होगी पीएनएल एडजस्टमेंट टू पार्टनर, जब जब पार्टनर को डेबिट कर रहे हो तो एंट्री होगी पार्टनर डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, और फिर जो भी नेट इफेक्ट बचेगा उसके लिए भी आपको एक और एंट्री करनी पड़ेगी, या तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू पार्टनर या उल्टा पार्टनर टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो होगा तो एडजस्टमेंट ही पार्टनर्स के बीच में, लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन एंट्री घुमा कर पूछे तो आप ये वाली कर सकते हो। डायरेक्ट पूछ ले तो फिर तो आपको नेट इफेक्ट निकाल के कोई पार्टनर डेबिट होगा और दूसरा पार्टनर क्रेडिट होगा, ऐसे करना है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसमें एक टॉपिक होता है गारंटी, जिसमें किसी भी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी दी जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट में तो आप ज़्यादा कुछ याद रखने की कोशिश ही मत करना, बहुत सिंपल है, क्योंकि अब या तो गारंटी होगी जो कोई फर्म किसी पार्टनर को देती है, या गारंटी होगी कोई इंडिविजुअल पार्टनर इंडिविजुअल पार्टनर को दे रहा है, या गारंटी कई बार उल्टा भी होती है कि पार्टनर किसी फर्म को दे रहा है। तो आमतौर पर इस तरह की तीन गारंटियाँ हो सकती हैं। अब गारंटी का मतलब ये है कि जो भी हमने वचन दिया और जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयर आया उसमें अगर कोई डिफरेंस है, जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, तो वो डेफिशिएंसी बचे हुए पार्टनर्स को लेनी पड़ेगी, या तो एग्रीड रेशियो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दिया तो फिर उस इंडिविजुअल पार्टनर को ये बियर करनी पड़ेगी और उसके प्रॉफिट में से पैसा कट जाएगा। एंट्री सिंपल है, जो पार्टनर गारंटी दे रहा है वो डेबिट, और जिसको गारंटी का पैसा मिल रहा है वो क्रेडिट। बाकी तो फॉर्मूला लगाकर आप प्रॉफिट निकाल लोगे। इसी तरह कभी कभी कोई पार्टनर फर्म को भी गारंटी देता है, तो अगर वो गारंटी फर्म को दे रहा है और वो पैसे पूरे नहीं कर पाया प्रॉफिट के, तो फिर हम उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देंगे, सो दैट जो भी उसने गारंटी दी है उतना पैसा कंप्लीट हो जाए और उतना पैसा उसकी कैपिटल से हम छीन लेते हैं। तो बेसिकली ये गारंटी पर बेस्ड आपसे एक दो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट थे मेनली यही थे। इसके बाद होता है गुडविल। अब गुडविल चैप्टर के देखो कॉन्सेप्ट्स क्या थे। गुडविल चैप्टर में आपसे अलग अलग पहले तो मेथड्स पूछ सकता है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, तो आपको सारे मेथड्स के फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और उसके दोनों। तो सिंपल प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला तो है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला है कि भाई जो भी आपका टोटल प्रोडक्ट बना डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, तो प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट, इन सबको जोड़कर डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। बाकी हमें प्रॉफिट्स जो चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखना, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो अच्छे से रट के जाना एग्ज़ाम के लिए, कि अगर प्रॉफिट आपको जो गिवन है उसमें कोई भी अबनॉर्मल लॉस है तो जोड़ दो, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है तो जोड़ दो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो जोड़ दो, कोई नॉन रिकरिंग जो भविष्य में खर्चा नहीं होगा वो ऐड बैक कर दो, और अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ रखा है माइनस डेप्रिसिएशन करके तो उसको भी ऐड बैक कर दो, और इसी तरह डिडक्ट कर दो कोई भी अबनॉर्मल गेन अगर है, कोई ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, कोई नॉन रिकरिंग इनकम है जो भविष्य में नहीं होगी, या इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इन सबको डिडक्ट कर दो क्योंकि ये हमारी रेगुलर बिजनेस इनकम्स नहीं है। इसी तरह पार्टनर का रेम्यूनरेशन है, कोई भी फ्यूचर का खर्चा जो नहीं होगा भविष्य में, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया, इन सबको भी आप डिडक्ट कर दो, और फिर आपका फाइनली वो सही प्योर प्रॉफिट आएगा जिस पर आप एवरेज निकालोगे। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें स्टेप्स याद रखना, सुपर प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड को आप दो फॉर्मूलों से निकाल सकते हो, ठीक है, ये याद रखना, एक पार्टनर्स की टोटल पूंजी प्लस रिजर्व, और तीन चीज़ें माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला है कि टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो, और तीन चीज़ें अगेन वही सेम, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल,
फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बाकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो होती है उनके बारे में वैसे तो क्वेश्चन बता देता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वैसे हम मान लेते हैं कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। अच्छा, आखिरी मेथड होते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें या तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही हो गया फॉर्मूला, लेकिन कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। और सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन का तो फॉर्मूला एक ही लाइन में खत्म है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। इसमें यह ध्यान रखना है कि कैपिटलाइजेशन मेथड अकेला ऐसा मेथड होता है जिसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये तो एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट था गुडविल का। तीसरा और आखिरी चैप्टर जो है बच्चों उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसमें था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको अगर याद हो कॉन्सेप्ट, तो इसमें दो पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स अपना रेशियो बदल लेते हैं। तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यही कि रेशियो के बदलने पर आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके पता लगा लोगे कि अगर मान लो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स उसने सैक्रिफाइस करा है, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स उसने गेन करा है। तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया गेनिंग सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना। बाकी बात करें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो गुडविल की इसमें दो ट्रीटमेंट्स होती हैं। पहली, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है तो उसको तो आप राइट ऑफ कर दोगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, पार्टनर डेबिट टू गुडविल। लेकिन जो गुडविल अलग से आपको दे रखी है उसके लिए आपको गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइजिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है उनके रेस्पेक्टिव शेयर्स में। तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। बाकी रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, फिक्टिशियस एसेट्स की अगर बात करें तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में, और जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो भी पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है तो। सिंपल। और स्पेशल रिजर्व्स की भी बात करूं तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो सारा पैसा पार्टनर को दे दो, अगर क्लेम बराबर है रिजर्व के तो फिर तो सारा रिजर्व आपका क्लेम बनाने में लग जाएगा, अगर क्लेम कम है मान लो रिजर्व है 10,000 का और क्लेम है सिर्फ 8,000 का तो उस केस में 2,000 आप पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, और अगर क्लेम ज़्यादा है मान लो रिजर्व तो है 10,000 का लेकिन क्लेम है 12,000 का तो आपको एक्स्ट्रा 2,000 का नुकसान रिवैल्यूएशन में बुक करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल केसेस आई होप आपको याद हो। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसमें भी सेम कहानी होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ जाती है तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारा पैसा पार्टनर को दे देंगे, अगर आपकी गिरावट आई तो जितने रुपए की गिरावट आई उसके लिए आप टू इन्वेस्टमेंट लिख दोगे और बचे हुए पैसे को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में गिरावट बिल्कुल ही बराबर आ गई तो जितने रुपए का रिजर्व है उतने रुपए से गिरावट को कम करके इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी मान लो रिजर्व तो थी 10,000 की और गिरावट आ गई 12,000 की इन्वेस्टमेंट में, तो अब जो एक्स्ट्रा 2,000 की गिरावट आई उसको फिर अगेन आप रिवैल्यूएशन में डेबिट करके बुक कर लोगे, तो ये भी याद रखना है। और बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी गिरावट नहीं आई उल्टा बढ़ोतरी हो गई तो उस केस में जो पूरा रिजर्व है लेट से 10,000 का वो पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा और जितने रुपए की आपकी वैल्यू बढ़ी मान लो 3,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो उतने रुपए का फ़ायदा रिवैल्यूएशन का गेन आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये भी मतलब एक केस हो सकता है, तो आपको हर केस की जानकारी भी एक बार गो थ्रू करनी पड़ेगी। अच्छा, अब रिजर्व और ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि रिजर्व या फिक्टिशियस एसेट को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते या उनको वो पुरानी फिगर्स पे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं शो करना, तो फिर क्या एंट्री होगी? उसके लिए देखो दो तीन बातें हैं। आपके जितने भी रिजर्व्स हैं आप उन्हें जोड़ लो, जितने फिक्टिशियस एसेट हैं उन्हें माइनस कर दो। अब ये जो नेट इफेक्ट आंसर अगर पॉजिटिव आया तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग हो जाएगा, और अगर ये नेट इफेक्ट नेगेटिव आया तो एंट्री सैक्रिफाइजिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछता है आपके CUET में। अच्छा, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, जो बहुत ही सिंपल है। रिवैल्यूएशन में आपको डेबिट साइड में अपना नुकसान लिखना है
क्रेडिट साइड पे अपना फ़ायदा लिखना है। नुकसान कब होगा? जब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट कम हो गया या कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। फ़ायदा कब होगा? जब एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी कम हो गई या कोई नया एसेट रिकॉर्ड करने। तो रिवैल्यूएशन के बाद तो आपका या तो प्रॉफिट बचता है या लॉस बचता है। अब उस प्रॉफिट या लॉस का आप करोगे क्या, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर पार्टनर्स कह रहे हैं कि भाई हमें तो पुरानी फिगर्स ही शो करनी है लेट से, और रिवाइज्ड वैल्यूज को शो नहीं करना, तब तो हम पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग, और लॉस की एंट्री होती है सैक्रिफाइजिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। और अगर वो कहते हैं कि रिवाइज वैल्यूज शो कर दो, पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो फिर तो आप नॉर्मल अपना डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एंट्री कर दोगे, उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो आप लिख भी सकता हूँ मैं यहाँ पे नॉर्मल, अगर प्रॉफिट है तो एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो एंट्री हो गई पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो बस फिनिश हो गया। देखो तो मैक्सिमम 20 मिनट के खेल में लगभग आपके तीनों मेन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्रिस्प तरीके से कवर हो गया। अब आप मेन काम करना, अच्छे से गो थ्रू करना सारे कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा, ताकि जब मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं इनके, तो एटलीस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रश्ड अप रहेंगे कि इन तीनों चैप्टर्स में आखिर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। मुलाकात करता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।